आजकल के मॉडर्न हाईवेज पे ड्राइविंग एकदम स्मूथ और इफिशियंट होना चाहिए, लेकिन ये ट्रेडिशनल टोल कलेक्शन सिस्टम अपने टोल बूथ्स और लंबी क्यूज के साथ ट्रैफिक को अक्सर रोक देता है। ये पुराना सिस्टम हमारा टाइम बर्बाद करता है, फ्यूल ज्यादा खर्च करता है और ड्राइवर्स को फ्रस्ट्रेट करता है। जैसे जैसे हमारे रोड नेटवर्क्स BRH रहे हैं और रोड्स पे व्हीकल्स की संख्या BRH रही है, ये साफ है कि हमें एक स्मार्टर, ज्यादा एफिशिएंट टोलिंग सॉल्यूशन चाहिए। यहीं पे GPS बेस्ड टोल कलेक्शन आता है, जो हमें सीमलेस ट्रैवल और बरहिया कन्वीनियंस का फ्यूचर देता है। चेंज की जरूरत साफ है और टोल कलेक्शन के लिए GPS टेक्नोलॉजी को अपनाना हमारे ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये जो हमारा टोल कलेक्शन सिस्टम है, जो फिजिकल टोल बूथ्स और कैश ट्रांजैक्शंस पे डिपेंड है, आज की तेज दुनिया में बहुत सी लिमिटेशंस रखता है। टोल प्लाजास पे लंबी क्यूज एक कॉमन बात है, खासकर पीक आवर्स और हॉलीडेज में। ये डिलेज सिर्फ कम्यूटर्स का प्रेशियस टाइम ही बर्बाद नहीं करते, बल्कि फ्यूल कंजम्पशन और एनवायरमेंटल पोल्यूशन को भी बढ़ाते हैं। कैश ट्रांजैक्शंस की मैनुअल प्रकृति प्रोसेस को और स्लो बना देती है, जिससे प्रॉब्लम और बेराय छा जाती है। इसके अलावा टोल चार्जेस में ट्रांसपेरेंसी की कमी और कभी कभी पेमेंट्स को लेकर होने वाले डिस्प्यूट्स ड्राइवर्स की परेशानी को और बढ़ा देते हैं। हमें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जो ज्यादा इफिशियंट, ट्रांसपेरेंट और ऑटोमेटेड हो। GPS बेस्ड टोल कलेक्शन एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है, जो हमारे टोल्स देने के तरीके को बदलने वाला है। यह ट्रेडिशनल टोल बूथ्स का एक सीमलेस और इफिशिएंट अल्टरनेटिव है। यह इनोवेटिव सिस्टम व्हीकल्स को ट्रैक करने के लिए ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम GPS टेक्नोलॉजी का यूज करता है और ऑटोमेटिकली टोल चार्जेस को कट लेता है, जिससे फिजिकल स्टॉप्स की जरूरत नहीं रहती। GPS की पावर का यूज करके व्हीकल्स को एक्यूरेटली ट्रैक किया जा सकता है जब वे टोल रोड्स पर ट्रैवल करते हैं, और टोल्स को व्हीकल से लिंक्ड प्रीपेड अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट किया जा सकता है। यह सीमलेस प्रोसेस ड्राइवर्स को रोकने, लाइंस में इंतजार करने या चेंज के लिए परेशान होने की जरूरत को खत्म कर देता है, जिससे कंजेस्टन और ट्रैवल टाइम काफी कम हो जाता है। GPS बेस्ड टोल कलेक्शन के इम्प्लीमेंटेशन में हमारे ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांति लाने की क्षमता है, जो ट्रैवल को सभी के लिए स्मूदर, फास्टर और मोर कन्वीनियंट बनाता है। GPS बेस्ड टोलिंग की खासियत इसकी सिंप्लिसिटी और आसानी से यूज होने में है। यह ऐसे काम करता है, सिस्टम में शामिल हर व्हीकल में एक छोटा सा टैम्पर प्रूफ GPS डिवाइस लगा होता है। यह डिवाइस टोल रोड पर स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर लगे सेंसर्स के नेटवर्क से कम्युनिकेट करता है। जैसे ही व्हीकल टोल गैंट्री के नीचे से गुजरता है, सेंसर्स उसकी मौजूदगी डिटेक्ट कर लेते हैं और इंफॉर्मेशन को सेंट्रल सिस्टम को भेज देते हैं। फिर सेंट्रल सिस्टम ट्रैवल डिस्टेंस और व्हीकल के क्लासिफिकेशन के बेसिस पर टोल अमाउंट कैलकुलेट करता है। टोल चार्ज व्हीकल से जुड़े प्रीपेड अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है, जिससे ड्राइवर को कोई परेशानी नहीं होती। ड्राइवर्स के पास अपने टोल पेमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक रिसीट्स प्राप्त करने का ऑप्शन होता है, जिससे ट्रांसपेरेंसी रहती है और उनके ट्रैवल एक्सपेंसेस का डिटेल्ड रिकॉर्ड मिलता है। सेक्शन 5, बेनिफिट्स फॉर कंज्यूमर्स, टाइम, मनी एंड ट्रांसपेरेंसी। GPS बेस्ड टोलिंग को अपनाने से कंज्यूमर्स को बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं, जिससे उनका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कई तरह से बेहतर होता है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह काफी टाइम बचाता है। टोल बूथ्स पर रोकने की जरूरत खत्म करके ड्राइवर्स बिना किसी देरी के टोल प्लाजा से गुजर सकते हैं। इसका मतलब है कम कम्यूट टाइम, गुड्स और सर्विसेज की तेज डिलीवरी और रोड पर सभी के लिए टाइम का ज्यादा एफिशिएंट यूज। इसके अलावा GPS बेस्ड टोलिंग कंजेस्टन और आइडलिंग टाइम को कम करके फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ावा देता है, जिसके परिणाम स्वरूप ड्राइवर्स के लिए काफी कॉस्ट सेविंग्स होती है और कार्बन फुटप्रिंट भी कम होता है। सिस्टम का ऑटोमेटेड होना टोल चार्जेस में ट्रांसपेरेंसी भी इंश्योर करता है, क्योंकि ड्राइवर्स को उनके सभी ट्रांजैक्शंस की डिटेल्ड इलेक्ट्रॉनिक रिसीट्स मिलती हैं।
यह पेमेंट्स को लेकर किसी भी तरह की अस्पष्टता या विवाद को खत्म करता है और टोलिंग प्रोसेस में ट्रस्ट और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देता है। सेक्शन 6, अ ग्रीनर अप्रोच टू टोलिंग। बढ़ती एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस के इस युग में GPS बेस्ड टोलिंग ट्रेडिशनल मेथड्स का एक ग्रीनर अल्टरनेटिव बनकर उभरता है। कंजेस्टन और आइडलिंग टाइम को कम करके यह टेक्नोलॉजी फ्यूल कंसम्पशन और व्हीकल इमिशंस को काफी हद तक कम कर देती है। स्टडीज से पता चला है कि GPS बेस्ड टोलिंग से कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस में काफी कमी आ सकती है, जो क्लीनर एयर और एक हेल्थी एनवायरमेंट में योगदान देता है। इसके अलावा पेपर टिकट्स और रिसीट्स को हटाने से वेस्ट कम होता है और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा मिलता है। इस इको फ्रेंडली टोलिंग सिस्टम में शिफ्ट करना क्लाइमेट चेंज से निपटने और एक मोर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के ग्लोबल एफर्ट्स के साथ मेल खाता है। सेक्शन 7, गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेशन, अ फेज्ड अप्रोच। एक स्मूथ ट्रांजिशन और वाइड अडॉप्शन को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट्स आमतौर पर GPS बेस्ड टोलिंग को फेज्ड अप्रोच में इंप्लीमेंट करते हैं। इसमें टेक्नोलॉजी का ग्रेजुअल रोल आउट शामिल है, जो सिलेक्ट हाईवेज या टोल प्लाजास पर पायलट प्रोजेक्ट से शुरू होता है। पायलट फेज के दौरान सिस्टम को अच्छी तरह से टेस्ट किया जाता है और यह इंश्योर किया जाता है कि यह एक्यूरेट और रिलायबल हो और एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कंपैटिबल हो। इस फेज के दौरान पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स और एजुकेशनल इनिशिएटिव्स बहुत जरूरी हैं, ताकि ड्राइवर्स को न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में पता चल सके और उनकी किसी भी चिंता का समाधान किया जा सके। एक बार पायलट फेज के सक्सेसफुल होने के बाद गवर्नमेंट धीरे धीरे सिस्टम को एक्सपैंड कर सकती है, ताकि यह रोड्स और हाईवेज के एक वाइडर नेटवर्क को कवर कर सके। सेक्शन 8, एड्रेसिंग पोटेंशियल चैलेंजेस। हालांकि GPS बेस्ड टोलिंग के फायदे अनगिनत हैं, लेकिन इसके इंप्लीमेंटेशन से जुड़ी पोटेंशियल चैलेंजेस को स्वीकार करना और उन्हें एड्रेस करना जरूरी है। एक चिंता GPS सिग्नल्स की रिलायबिलिटी को लेकर है, खासकर ऐसे एरियाज में जहां घने पेड़ हैं या ऊंची बिल्डिंग्स हैं। हालांकि GPS टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स और मल्टीपल सैटेलाइट सिस्टम्स के यूज ने सिग्नल एक्यूरेसी और कवरेज को काफी बेहतर बनाया है, जिससे यह चिंता कम हुई है। एक और चुनौती सिस्टम द्वारा कलेक्ट किए गए यूजर डेटा की प्राइवेसी और सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। गवर्नमेंट्स और टोलिंग अथॉरिटीज को यूजर इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रखने के लिए डेटा इंक्रिप्शन, सिक्योर स्टोरेज और स्ट्रिक्ट एक्सेस कंट्रोल्स को प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि अनऑथराइज्ड एक्सेस या ब्रीचेस से बचा जा सके। सेक्शन 9, इंश्योरिंग प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी। GPS बेस्ड टोलिंग सिस्टम्स को इंप्लीमेंट करते समय प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी सबसे बड़ी चिंताएं हैं। गवर्नमेंट्स और टोलिंग अथॉरिटीज को यूजर इंफॉर्मेशन के प्रोटेक्शन को प्राथमिकता देनी चाहिए और यह इंश्योर करना चाहिए कि कलेक्ट किया गया डेटा सिर्फ टोल कलेक्शन के लिए ही यूज किया जाए। ट्रांसमिशन और स्टोरेज के दौरान सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत डेटा इंक्रिप्शन मेथड्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यूजर डेटा तक सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सनल की ही पहुंच हो, इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्सेस कंट्रोल्स होने चाहिए। सिस्टम में किसी भी तरह की कमजोरी को पहचानने और उसे दूर करने के लिए नियमित रूप से सिक्योरिटी ऑडिट्स और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट्स करना बहुत जरूरी है। ट्रस्ट बनाने और GPS बेस्ड टोलिंग के रिस्पॉन्सिबल और एथिकल इंप्लीमेंटेशन को इंश्योर करने के लिए ट्रांसपेरेंट डेटा यूजेज पॉलिसीज और डेटा कलेक्शन प्रैक्टिसेस के बारे में यूजर्स के साथ क्लियर कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। सेक्शन 10, कंक्लूजन, अ रोड टू अ स्मार्टर फ्यूचर। GPS बेस्ड टोल कलेक्शन को अपनाना एक स्मार्टर, मोर इफिशियंट और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर एक बड़ा कदम है। इस टेक्नोलॉजी को अपनाकर हम कंजेशन को कम कर सकते हैं, ट्रैवल टाइम्स को कम कर सकते हैं, फ्यूअल एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं और अपने एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। हालांकि इंप्लीमेंटेशन फेज के दौरान चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स,
मजबूत सिक्योरिटी मेजर्स और ट्रांसपेरेंट डेटा मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के जरिए उन्हें प्रोएक्टिवली एड्रेस करने से एक सीमलेस और ट्रस्टवर्दी टोलिंग एक्सपीरियंस का रास्ता साफ होगा। जैसे जैसे हम इंटरकनेक्टेड व्हीकल्स और इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स के फ्यूचर की ओर बरख रहे हैं, GPS बेस्ड टोलिंग आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मोर कनेक्टेड, एफिशिएंट और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।